हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर टू वीक्स आई एम बैक। आई नो 2 वीक के बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ एंड सॉरी कि मैं काफ़ी लेट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो है डेफिनेटली आप लोगों के स्किन के लिए, क्योंकि ये है एक होममेड फेशियल है, होम रेमेडीज है आप इसको कह सकते हैं, और ये है एक कॉफी फेशियल चल रहा है डालगुना कॉफी का। तो कॉफ़ी तो सबके घर में डेफिनेटली होने वाली है। अगर कॉफ़ी आपके घर में है तो चलिए कॉफ़ी से फेशियल कर लेते हैं। अगर आप डालगुना बना बना के बोर हो चुके हैं तो चलिए अब करते हैं फेशियल। तो ये फेशियल टोटली कॉफ़ी से होने वाला है। इसके सारे प्रोडक्ट में कॉफ़ी ज़रूर यूज़ होगी, और जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करने वाली हूँ वो आपके किचन में इजीली मिल जाते हैं। और कॉफ़ी आपको पता है फेस के लिए कितना ज़्यादा अच्छी होती है, हमारे फेस को स्पॉटलेस बनाती है, रेडिएंट बनाती है, बहुत ही अच्छी फेयर और ग्लो स्किन मिलती है। आप फटाफट से इस फेशियल को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं वेपराइजर की हेल्प से अपने फेस को थोड़ा सा स्टीम देके फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, पोर्स को भी ओपन कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 टीस्पून, मैंने यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर एंड शुगर लिए, इनको दोनों को मिक्स कर लिया, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है तो आप उससे भी एक फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। इसको लेके मैं अच्छे से अपने पूरे फेस में इसको क्लिनजर के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, एज अ क्लिनजर यूज़ कर रही हूँ। इसको होंठों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लिनजर हमारे फेस को अच्छे से क्लीन करता है, होंठों को भी क्लीन करता है। आप अगर आप फेशियल नहीं करना चाहते, क्लीन अप नहीं करना चाहते, तो सिर्फ इस तरह का क्लिनजर करके ही आपका फेस अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। तो आप देख सकते हैं मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया नॉर्मल वाटर से। स्टेप 2 में मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून, यहाँ पर मैंने लिया कॉफ़ी पाउडर, और ये मेरा है चावल का आटा जो मैंने घर में पीसा है। तो ये काफ़ी दानेदार चावल का आटा है, आप देख सकते हैं। और इस पर मैं रॉ मिल्क यूज़ कर रही हूँ 1/2 चम्मच। आप चाहें तो बस कुछ ड्रॉप्स ही यूज़ करें, क्योंकि देखिए थोड़ी सी इसकी जो है कंसिस्टेंसी वो थोड़ी पतली हो गई है, तो आप बस 2-3 ड्रॉप ही यूज़ करें। और इसको मैं अच्छे से एज अ स्क्रबर यूज़ कर रही हूँ, स्क्रब की तरह अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ। और इसे भी मैं अपने होंठों वगैरह में, नोज़ के आसपास अच्छे से अप्लाई करूँगी। आपको पता है इस स्क्रब से सारे वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स भी निकल जाते हैं, आप देख सकते हैं कितना दानेदार है ये। तो फेस को मैंने अच्छे से कर लिया है वॉश। अब हमारा स्टेप 3, मैं आपको एक बता दूँ, स्टेप 3 लोग मोस्टली स्किप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें फेस को क्रीम से मसाज करना शायद वो स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्रीम से मसाज करूँगी बिकॉज़ मेरी स्किन ड्राई है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ कॉफ़ी पाउडर, थोड़ा सा मैंने लिया 1/2 टीस्पून बादाम का तेल, और साथ में ले रही हूँ प्लम की इस तरह की मॉइस्चराइजर क्रीम जो मेरी फेवरेट है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैं क्रीम से अच्छे से मसाज करूँगी फेस में। ये एक कॉफ़ी पाउडर चॉकलेट क्रीम की तरह हो जाएगी, और इसकी स्मेल लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो इसे बस इसी तरह सर्कुलर मोशन में मुझे मसाज करनी है। सो अब मैं वापस से ये वेपराइज़र हेल्प यूज़ कर रही हूँ, और इससे स्टीम दूंगी ताकि जो क्रीम है वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। और अगर मैं किसी भी क्रीम को आप मसाज करने के बाद उसे थोड़ा सा स्टीम दे देते हैं तो आपका स्किन, आपका फेस जो है वो महीनों तक ग्लो करता है। तो मैं थोड़ा सा इसे अपने हाथों से वापस मसाज करके, और इसे सिर्फ एक टिश्यू पेपर या फिर किसी वाइप की हेल्प से नॉर्मल क्लीन कर रही हूँ, बहुत हार्डली क्लीन नहीं किया है मैंने। अब आ गया है हमारे पैक का टाइम, तो पैक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, देख सकते हैं किस तरह का कॉफ़ी पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, हल्दी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती, और ये चावल का आटा है जो मैंने बाहर मार्केट से मंगवाया है, जो बिल्कुल आटे जैसा सॉफ्ट और एकदम फाइन पिसा हुआ है। आप चाहें तो इसकी जगह बेसन यूज़ कर सकते हैं, आटा यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है शहद, और साथ में मैं यूज़ करी हूँ यहाँ पर थोड़ा सा रॉ मिल्क, और इसको अच्छे से मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी मुझे मिल गई है। इस कंसिस्टेंसी को ये डिपेंड करता है आप पर, अगर आप कम इस पर दूध ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, लेकिन मैंने जो मिलाई आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस मैं इसे स्पून के इस तरह के बैक स्पून की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज़ आपको पता होना चाहिए बैक स्पून से, अगर आप स्पून के इस तरह के बैक वाले पार्ट से अपने फेस को मसाज करते हैं तो आपके रिंकल्स फ्री स्किन होती है, रिंकल्स काफ़ी हद तक दूर होते हैं। तो ये देखिए अब ये सूख चुका है, तो मैंने इसको वॉशरूम में जाकर थोड़ा सा पानी अप्लाई करके इसको अच्छे से मसाज की सर्कुलर मोशन में, एंड इसके बाद मैंने फिर से नॉर्मल वाटर से ही वॉश कर दिया है। तो वॉश करने के बाद फेस जो है कुछ इस तरह का लग रहा था मेरा, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी शाइन सी आ गई थी, और जो वाइट हेड ब्लैक हेड्स थे मेरी नोज़ के पास वो भी सारे रिमूव हो गए थे। तो आप भी एक बार ये फेशियल ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फेशियल कैसा लगा। कि इसके सारे इंग्रेडिएंट घर में मिलने वाले हैं, बहुत ही सिंपल हैं, और जितनी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं सारी आपके फेस के लिए रामबाण चीज़ें हैं। तो इस लॉकडाउन में मुझे नहीं लगता कि आपको इतना सिंपल इजी फेशियल कुछ टिप्स मिल सकती हैं। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, और मुझे बताइएगा फिर आपके फेस में इसका ग्लो कितने टाइम तक रहा और कैसा असर रहा।
और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह के और भी अच्छे वीडियो आपको आगे देखने को मिलते रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर चल रहा है गिव अवे, तो पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।